का रिश्ता इस दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता होता है, जहाँ एक तरफ माँ अपने बेटे को दुनिया की सारी खुशियाँ उसकी झोली में लाकर रख देना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा ये सोचता है कि वो बड़ा होकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए और अपनी माँ को हर तरह के सुख सुविधाएं दे पाए। ऐसी एक कहानी है भारत के कर्नाटक राज्य की, जहाँ एक बच्चा बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेता है और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके किसी तरह खुद का खर्चा चलाती है। जब उसका बच्चा अपनी माँ को दिन रात इतनी मेहनत करते हुए देखता है, तब वो बहुत दुखी होता है और सोच में पड़ जाता है कि उसकी माँ को उसके पालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तब ये बच्चा ठान लेता है कि वो अपनी माँ को इस दुख भरे जीवन से बाहर निकाल कर रहेगा। दोस्तों, इस बच्चे का नाम है रॉकी। रॉकी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और वो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। रॉकी अपनी माँ से वादा करता है कि एक दिन वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा और दुनिया पर राज करेगा। रॉकी की बड़ी बड़ी बातें सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है और रॉकी से कहती है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू एक दिन इस दुनिया का अमीर आदमी बन जाएगा। रॉकी ने अपनी माँ से वादा तो कर लिया और रॉकी अपनी बात का भी पक्का है, पर उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो कैसे अपना वादा पूरा करेगा और कैसे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। बचपन से ही गरीबी में पलने के कारण रॉकी पढ़ाई नहीं कर पाता है। रॉकी एक दुकान में काम करने लगता है और यहाँ से उसको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उसे ऐसे काम के लिए सलाह देते हैं जिसमें बहुत रिस्क होता है, और वो लोग ही रॉकी को बोलते हैं कि जितना रिस्क लोगे उतना ही पैसा मिलेगा। बस रॉकी को ये क्लू मिल गया और वो आगे बढ़ता ही चला गया। अब रॉकी जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वो समझ रहा था कि उसको क्या करना है और कैसे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। रॉकी की माँ मजदूरी करती थी, जिसके कारण रॉकी को कुछ ऐसी जगह के बारे में पता चलता था जहाँ पर भारत का ज्यादातर सोना पाया जाता है। रॉकी ने इस सोने की खदान का पता करने के लिए एक सीक्रेट मिशन बनाया। इस मिशन में रॉकी मेन भूमिका में रहता है। रॉकी का मिशन है कि सारे सोने को अपने कब्जे में करना। रॉकी कर्नाटक के कोलार जिले का अच्छी तरह से पता लगाता है कि कहाँ कहाँ पर सोना है और इस सोने को बेचकर वो कैसे पैसे कमा सकता है। एक तरफ पुलिस रॉकी को पकड़ने का प्लान बनाती है और दूसरी तरफ रॉकी को सोना बेचने का एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। रॉकी अपने इस ऑर्डर को लेकर बहुत खुश भी होता है, पर साथ ही साथ वो ये जानता है कि इस ऑर्डर को सक्सेसफुली सेल करना इतना आसान नहीं रहेगा, तो रॉकी अपने वफादार लोगों को ही डील में शामिल करता है। रॉकी पूरा प्लान बना लेता है इस सोने को बेचने का और धीरे धीरे वो सोना बेचकर अमीर हो जाता है। रॉकी अमीर तो हो गया है और अब वो आगे बढ़ता ही चला जाता है और धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाता है। रॉकी ने कर्नाटक से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक अपनी जान पहचान बना ली। अब तक सब रॉकी के प्लान के मुताबिक हो रहा था और रॉकी अपनी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश था। पर दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। रॉकी की तरक्की इतनी तेजी से हुई जिसकी भनक अब पुलिस को लग चुकी थी। रॉकी के बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे और अब रॉकी को हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना था। एक तरफ पुलिस रॉकी को पकड़ने का जाल बनाती है और वो ट्रक निकलने से पहले ही रॉकी अपने एक आदमी को पुलिस के पास भेज देता है और वो आदमी पुलिस को जाकर बोलता है कि वो रॉकी का सारा राज आपको बताने आया है। पुलिस समझ नहीं पाती है कि ये ऐसा यहाँ लाइक क्यों आया है, रॉकी का राज बताने कुछ समझ नहीं आ रहा। तब वो आदमी बोलता है कि रॉकी ने उसको धोखा दिया है, उसने कहा था कि वो उसके सोने बेचने के बाद उसको 40% देगा, पर बाद में रॉकी ने उसको देने से साफ इनकार कर दिया। तो पुलिस को लगता है कि शायद ये आदमी सच बोल रहा है और पुलिस उसकी बातों में आ जाती है। अब वो आदमी पुलिस को वो सारे गलत एड्रेस देती है जहां से असली सोना नहीं जाने वाला है। पुलिस पूरी टीम के साथ तैनात है और हर उस अड्डे पर पहुंच जाती है जहां पर उस आदमी ने उसे बताया था, और पुलिस को नकली सोने वाला ट्रक मिल जाता है और असली सोना जंगल के रास्ते से निकल जाता है। कुछ ही देर में पुलिस जान जाती है कि ये नकली सोना है और अब पुलिस उससे सच उगलवाने के लिए उसको खूब मारती है, पर असली सोना कहाँ जाने वाला है ये किसी को नहीं पता होता, रॉकी और उसके वफादार साथी के अलावा। तब पुलिस समझ आती है और हर राज्य की पुलिस को अलर्ट करके इनके ट्रक को पकड़ने का ऑर्डर देती है और पुलिस इस मिशन में लग जाती है, पर पुलिस रॉकी को पकड़ नहीं पाती और वो भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में चला जाता है।
तो दोस्तों कुछ ऐसी मिलती जुलती कहानी हो सकती है फिल्म KGF 3 की। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।